सवाल नंबर एक, तेजी से वजन कम करने के लिए कितनी रोटी खानी चाहिए। सवाल नंबर दो, तेजी से वजन कम करने के लिए कौन से फल खाने चाहिए। सवाल नंबर तीन, तेजी से वजन कम करने के लिए कौन सी सब्जियां खानी चाहिए। सवाल नंबर चार, तेजी से वजन कम करने के लिए कौन सी दालें खानी चाहिए। सवाल नंबर पाँच, तेजी से वजन कम करने के लिए कौन से ड्राई फ्रूट खाए। सवाल नंबर छः, तेजी से वजन कम करने के लिए कौन सा जूस पीना चाहिए। और सवाल नंबर सात, तेजी से वजन कम करने के लिए कौन सी चाय पीनी चाहिए। सवाल नंबर एक, तेजी से वजन कम करने के लिए कौन से फल खाने चाहिए। जैसे नंबर एक, वजन कम करने के लिए पपीता एक बेहतरीन फल है। पपीते में अच्छी मात्रा में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। पपीते की खास बात यह है कि हमारी पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद करता है। पपीता खाने से मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, इसलिए जब भी आपको भूख लगे आप एक बाउल पपीता खा लें, इससे आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी। नंबर दो, अमरूद में काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जिसकी वजह से जल्दी पेट भर जाता है। आप किसी भी समय भूख लगने पर एक अमरूद खा सकते हैं। अमरूद वजन कम करने के लिए सबसे अच्छा फल है। इसके अलावा कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, अपर जो डायबिटीज़ जैसी बीमारियों में भी फ़ायदा करता है। नंबर तीन, वजन कम करने के लिए पाइनएप्पल को भी अच्छा माना जाता है। पाइनएप्पल में काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जो हमारी आंतों की सफाई का काम करता है। पाइनएप्पल में ब्रोमेलैन एंजाइम होता है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और इससे वजन भी कम होता है। रोज़ पाइनएप्पल खाने के बाद आप खुद अपना वजन में अंतर महसूस करेंगे। नंबर चार, वजन कम करने वाले लोगों को जब भी भूख लगे उन्हें सेब खाना चाहिए। सेब खाने के लंबे समय तक भूख नहीं लगती और हमारा पाचन भी ठीक रहता है। सेब में कैलोरी भी बहुत कम होती है जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है। सवाल नंबर दो, तेज़ी से वजन कम करने के लिए कौन सी सब्ज़ियाँ खानी चाहिए। जैसे नंबर एक, आप कई तरह की हरी पत्तेदार सब्जियों को डाइट में शामिल कर सकते हैं। यह बहुत ही पौष्टिक होती है, यह तेज़ी से फैट बर्न करने में मदद करती है। इन सब्जियों में केल, लेटस और पालक जैसी सब्जियां हैं, यह आयरन से भी भरपूर होती है। नंबर दो, मशरूम का सेवन करी और सलाद के रूप में अधिक किया जाता है। यह तेज़ी से फैट बर्न करने में मदद करती है। वजन घटाने के लिए आप डाइट में मशरूम भी शामिल कर सकते हैं। नंबर तीन, आप फूलगोभी और ब्रोकली जैसी सब्जियों को डाइट में शामिल कर सकते हैं। इन सब्जियों में फाइबर, मिनरल और विटामिन भरपूर मात्रा में होता है। इन सब्जियों का सेवन करने से तेज़ी से वजन घटाने में मदद मिलती है। नंबर चार, गाजर में कैलोरी बहुत ही कम मात्रा में होती है। इसमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर होते हैं। यह तेज़ी से वजन घटाने में मदद करती है। नंबर पाँच, खीरा आपके सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। इसमें पानी अधिक मात्रा में होता है। इसका सेवन करने के बाद आपको देर तक भरा हुआ महसूस होता है जिसके कारण आप खाना कम खाते हैं और आपका वजन कम हो जाता है। सवाल नंबर तीन, तेज़ी से वजन कम करने के लिए कौन सी दालें खानी चाहिए। जैसे नंबर एक, यदि आपका वजन बढ़ गया है तो आप प्रतिदिन मूंग की दाल खाएं। हरी मूंग की दाल खाने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है जिससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है। मूंग दाल या इससे बनी किसी भी चीज़ को खाने से देर तक पेट भरा रहता है और आप अधिक खाने से बचे रहते हैं। नंबर दो, चना दाल भी वजन तेज़ी से कम करने में मदद करती है। इसमें फाइबर और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। एक कटोरी चना दाल खाने से कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और प्रोटीन की मात्रा होती है। इसके सेवन से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है जिससे कैलोरी बर्न होती है और वजन कम होता है। नंबर तीन, अरहर दाल में प्लांट प्रोटीन होता है, साथ ही फाइबर, फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, गुड कार्ब होता है जो भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है। नंबर चार, मसूर दाल खाने से तेज़ी से वजन कम होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो देर तक पेट भरे होने का एहसास कराता है जिसके कारण आपका वजन कम होता है। सवाल नंबर चार, तेज़ी से वजन कम करने के लिए कौन से ड्राई फ्रूट खाएं। जैसे नंबर एक, खजूर को सेहत के लिए बेहद ही गुणकारी माना जाता है। वजन को कम करने के लिए खजूर एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। खजूर में फाइबर, विटामिन B5 पाया जाता है जो शरीर को मजबूत बनाने के साथ साथ वजन को भी कम कर सकता है। नंबर दो, मोटापा कम करने के लिए आप काजू का सेवन कर सकते हैं। काजू में मैग्नीशियम कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। रोजाना काजू के सेवन से वजन को कम करने में मदद मिल सकती है। नंबर तीन, पिस्ता स्वाद और सेहत से भरपूर है। पिस्ता फाइबर का अच्छा सोर्स भी होता है जो भूख को लंबे समय तक कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। पिस्ता खाने से पाचन को बेहतर और वजन को कम करने में मदद मिल सकती है। नंबर चार, मखाना एक लो फैट फूड आइटम में से एक है। मखाने को डाइट में शामिल कर वजन को आसानी से कम किया जा सकता है। आप मखाने को स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। नंबर पाँच, बादाम में कैलोरी की मात्रा काफ़ी कम होती है। बादाम में प्रोटीन, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। वजन कम करने के लिए आप रोज़ाना अपनी डाइट में बादाम को शामिल कर सकते हैं। सवाल नंबर पाँच, तेज़ी से वजन कम करने के लिए कितनी रोटी खानी चाहिए। दरअसल कितनी रोटी खानी चाहिए यह मुख्य रूप से आपके शरीर की कब आवश्यकता पर निर्भर करता है।
कब्ज ज़्यादा कर शरीर को दूध, चीनी, सोडा, तेल आदि चीज़ों से उपलब्ध होता है। ऐसे में अगर डाइट में चीज़ों की मात्रा ज़्यादा हो तो रोटी कम खानी चाहिए। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो यह जानना ज़रूरी है कि कितनी रोटी खानी चाहिए। पुरुषों और महिलाओं के लिए रोटी की मात्रा अलग अलग होती है। जिन महिलाओं का डाइट प्लान दिन में 1400 कैलोरी का सेवन करना है, उन्हें 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को खानी चाहिए। तो अगर किसी आदमी का डाइट प्लान 1700 कैलोरी का है तो वह लंच और डिनर में 3-3 रोटी खा सकते हैं। सवाल नंबर 6, तेज़ी से वज़न कम करने के लिए कौन सा जूस पीना चाहिए? जैसे नंबर 1, संतरा विटामिन सी से भरपूर होता है। बाकी फलों की तुलना में इसमें कैलोरी कम होती है। यह तेज़ी से वज़न घटाने में मदद करेगा। नंबर 2, अनानास में ब्रोलिन नाम का एक एंजाइम होता है। यह मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है। यह पेट की चर्बी को तेज़ी से कम करने में मदद करता है। आप अनानास के जूस का सेवन कर सकते हैं। नंबर 3, खीरे में लगभग 90% पानी होता है। यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह शरीर को ठंडा रखता है। खीरे का जूस पीने से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है। ऐसे में आप खुद को अधिक खाने से बचा पाते हैं। सवाल नंबर 7, तेज़ी से वज़न कम करने के लिए कौन सी चाय पीनी चाहिए? जैसे नंबर 1, ब्लैक टी वज़न घटाने के लिए एक अच्छी चाय है। इसमें कैफीन की भी अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, जिससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी मिलती है, जो कैलोरी बर्न करने में सहायक है। नंबर 2, ग्रीन टी में भी कैफीन और कैटेचिन नामक फ्लेवोनॉइड्स होता है। स्टडी के अनुसार इन दोनों ही तत्वों से मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद मिलती है। खासकर कैटेचिन शरीर के एक्सेस फैट को तोड़ने का काम करता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि वज़न घटाने में दोनों ही असरदार है, लेकिन ग्रीन टी में कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर की ओवरऑल सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है और वज़न घटाने में भी सहायक है। लेकिन इसका ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करने से बचना चाहिए।